नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। हमीरपुर में लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता पर आरोप लगा है। अवर अभियंता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बुंदेलखंड निसाफ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन सौंपा है। करोड़ों के राजस्व को चूना लगाने का आरोप लगाया है। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे वृंदावन। आरके मिशन अस्पताल में पेट स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। बांके बिहारी के दर्शन कर अधिकारियों के साथ बैठक की। वृंदावन में आने वाली भीड़ के प्रबंध को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इंडो भारत नेपाल सीमा पर पुलिस एसएसबी को मिली बड़ी सफलता। पगडंडियों के रास्ते तस्करी करते समय तस्कर धराए हैं। 18 लाख रुपए के हेरोइन के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। 21 ग्राम हेरोइन के साथ दूसरा आरोपी पकड़ा गया है। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। नेपाल के रूपंदेही का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। शनोली थाना क्षेत्र के खनुआ से गिरफ्तारी हुई। मेरठ के सिवालखास विधानसभा पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला हमला। पंचाली बुजुर्ग गांव में शादी समारोह में वरवधु को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे अखिलेश यादव। असदुद्दीन ओवैसी को साथ लेने के लिए अखिलेश ने कहा पूरा विपक्ष एक साथ है, अगली बैठक में साथ दिखाई दे सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी। मणिपुर की घटना को लेकर भाजपा पर भी तंज कसा। 10,000 के नामियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नेपाल भागने की फिराक में था आरोपी। SBI ग्राहक सेवा केंद्र में हुई थी लूट। लूट की घटना के बाद फरार चल रहा था आरोपी। SOG स्वाट टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1,350 रुपए भी बरामद किए गए हैं। अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस परिवेड में पकड़े जा चुके हैं अन्य आरोपी। फरिंदा थाना क्षेत्र के पोखरभिंडा का रहने वाला है रामू हरिजन। निचौला थाना क्षेत्र के चमनगंज पुल से गिरफ्तार किया है। ये दिनांक 16 जून 2023 को थाना निचलौल अंतर्गत ग्राहक सेवा केंद्र पर लूट की घटना असलाई के दम पर कारित की गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महाराजगंज महोदय के निर्देशन में 3 टीमें गठित की गई थी, जिनके प्रयास से पूर्व में 5 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना में संलिप्त एक वांछित अभियुक्त जिसका नाम रामू है, जो कोकरबिंडा फरिंदा का रहने वाला है, उसकी आज प्रातः 11 बजे टीम द्वारा गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसके पास से भी 1,350 रुपए बरामद हुए लूट के। खबर गाजीपुर से, जहां शादियाबाद थाना अंतर्गत ग्राम सभा गुरैनी में गुंजा चौहान नाम की गर्भवती विवाहिता ने फांसी के फंदे से खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि 12 साल पहले उसकी शादी प्रमोद चौहान के साथ हुई थी। इस बीच गुंजा की 3 लड़की निधि चौहान उम्र 7 साल, कंचा चौहान 5 वर्ष, अर्पिता चौहान उम्र लगभग 2.5 साल और इस मासूम बच्चों को नजरअंदाज करते हुए अपने प्राणों का बलिदान उसने दे दिया है। जब प्रशासन को सूचना मिली तो आनंद फानन में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जब मृतका के पिता राजन चौहान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी लड़की की गलती है, उसने फांसी के फंदे पर अपनी जान दे दी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। खबर उन्नाव से है, जहां पर लौली ब्लॉक का उच्च प्राथमिक विद्यालय करदहा आपस के निजी स्कूल की चमक फीकी कर रहा है। यहां के शिक्षक नीरज चौरसिया ने अपनी मेहनत और लगन से बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के सामने मिसाल पेश की है। स्कूल की अपनी लाइब्रेरी है। बच्चों का शारीरिक विकास के साथ मानसिक रूप से विकास हो, इसके लिए स्कूल में ही जिम बनाया गया है। खेल के मैदान में खेल कोर्ट और खेल किट भी शिक्षक द्वारा बच्चों को उपलब्ध कराई गई है। यहाँ के बच्चे आरओ का पानी पीते हैं। गर्मी में बच्चों को ठंडा पानी मिले, इसके लिए शिक्षक ने यहाँ पर अपने निजी धन से वाटर कूलर भी लगाया है। जो बेहतर शिक्षा और बेहतर शिक्षक माहौल को देख हुए यहाँ बच्चों की पंजीकरण संख्या 194 है। वहीं यहाँ के शिक्षक का नाम राज्य पुरस्कार के लिए जिला प्रशासन द्वारा भेजा गया है। 194। और आपने यहाँ कार्यभार कब ग्रहण किया था? कार्यभार ग्रहण किया हमने 2013 में और इंचार्ज हुए हैं 2017 में। अच्छा, तब बच्चों की क्या उपस्थिति थी? शुरुआत में जब आए थे तो करीब 120 बच्चे एनरोल थे और उपस्थिति बहुत कम होती थी, 20, 25, 30, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी और आज तो 194 एनरोल्ड हैं और उपस्थिति लगभग 150 के करीब। गाजीपुर में देवकली विकास खंड अंतर्गत मूर्तिजीपुर गांव में इस समय कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ग्राम प्रधान के खिलाफ कई दर्जन ग्रामीणों ने जमकर ग्राम प्रधान मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान अवधेश चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम सभा के मुख्य मार्ग पर खड़ंजा बिछाने के कारण ग्रामीणों को बरसात के समय में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग रास्ते में पानी भरने के कारण गिर जाते हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा अपने घर तक जाने का रास्ता पिच करवा दिया गया है। तमाम ग्रामीणों ने बताया कि गाँव के अंदर रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रायबरेली एम्स के साथ आज एक और उपलब्धि जुड़ गई है। एम्स में आज से 20 बेड की इमरजेंसी के साथ ही बच्चों के लिए गहन चिकित्सा यूनिट की शुरुआत हुई। एम्स शुरू होने से अब तक यहां लगभग सभी विभागों की ओपीडी तो थी, लेकिन इमरजेंसी न होने से जिला अस्पताल ही लोगों का सहारा था। अब ऐसे में यहां इमरजेंसी की शुरुआत रायबरेली और आसपास के लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। आज से शुरू हुई इमरजेंसी समेत 2 अन्य यूनिट का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि मोदी सरकार देश भर में स्वास्थ्य को लेकर बेहतर काम कर रही है। नहर में बहता हुआ अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल में जुटी है। मामला बदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेहटा पुल स्थित शादरा नहर का है।
बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। सालों तक महिला के साथ उसके ससुर और देवर ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जब अपने ससुर और देवर पर 2022 में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया तो दोनों की गिरफ्तारी हुई है और जेल गए हैं। अब देवर जमानत पर बाहर आ गया है, जिसके बाद महिला पर जुल्म और सितम बढ़ गया है। पीड़ित महिला पर मुकदमा सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा है, उसके साथ घर वाले मारपीट कर रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं एएसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि मामले का संज्ञान है, पुलिस की मारपीट की वीडियो की जाँच कर आदेश दिया गया है। जाँच रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर गाजीपुर से, जहां यूपी के राज्यमंत्री असीम अरुण ने मीडिया से बातचीत के दौरान एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई के सवाल पर बयान देते हुए कहा कि एनडीए का मूल सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, जबकि इंडिया का उद्देश्य सिर्फ मोदी हटाव है। राज्यमंत्री असीम अरुण ने कहा कि मोदी जी पूरे देश में कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जबकि इंडिया के पास मोदी विरोध के अलावा कोई योजना नहीं है। असीम अरुण ने कहा कि आज देश की राजनीतिक वोट बैंक पर नहीं काम कर आधारित है और पूरे देश की जनता समझदार है। असीम अरुण गाजीपुर में अमृतकाल से सहभागिता कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। We'll be right back.